Então tá aí, mano, colo. Sai, tá na cabeça, tá tão assim. Vamos, cara. Nossa, que arma boa, né? Vou te aceitar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोग होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदारी थी हमारे ज़िम्मे, जो जिसका पहला रुकन था कि आप लोगों ने राशन तकसीम करना है, और दूसरा रुकन ये था कि कुछ पैसे जो है वो मस्जिद में देने हैं, और तीसरा रुकन था कि आपने नल लगवाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मामू ने सुबह सुबह ही पैसे निकलवा के आए हैं, और उसके बाद मुझे कह दिया कि जाके राशन वगैरह बनवाओ। फिर मामू और मैं गए, राशन जाके बनवाया और अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेकर आ गए हैं। मज़ीद मामू से पूछते हैं, मामू ये राशन कहाँ से आया है? सबसे पहले तो ये बताएं। यूके से एक हमारी सिस्टर है और एक भाई है, उनकी तरफ से यह ज़िम्मेदारी दी गई थी हमें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ज़िम्मेदारी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्तहिकों को बुला कर दे रहे हैं जी। तो बाकी का काम जो इंशाल्लाह कल या परसों में इंशाल्लाह वो भी कम्प्लीट, बाकी नल लगवाना है और नल भी लगवाना है और मस्जिद में भी देना, मस्जिद में भी देने। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह राशन बनवा लिया है और ये तकरीबन 20-21 घरों का मेरे ख्याल में बना है। 20-21 घरों का है? 21 घरों का है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको मामू ने बुला लिया है जो कि हमारे इलाके के करीब, और उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुला लिया है। अब तकसीम करना शुरू करते हैं जल्दी से। सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक पड़ा है, एक मेरे ख्याल में नहीं पहुंची अभी। पहुंची नहीं है ना, तो जैसे पहुंची उस दिन भी एक सिस्टर देर से पहुंची थी, आज भी वही हुआ। चलें जी, कोई बात और नहीं, सबको तो इंतज़ार नहीं करवा सकते। अब जो है ना, उन बहन भाइयों के लिए दुआ करवाते हैं उनसे जी, बिल्कुल सिस्टरों से, कि अल्लाह पाक उनके माल जान रिस्क में बरकत अता फरमाए, जिस मकसद के लिए भेजें अल्लाह पाक उनको मकसद में कामयाब करें। आमीन। सिस्टर को, उस भाई को, उनके बच्चों को, उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाएं। तो सब ने उनके लिए बहुत सारी दुआ, बहुत सारी दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक के राह पर दिया है और आप लोगों के घर के चूल्हे जलाए हैं, बहुत सारी दुआ करनी है उनके लिए। तो जब भी खाना है तो उनके लिए दिल में जरूर दुआ करनी है, आप भी दुआ कर दें उनके लिए हाथ उठाकर। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। ठीक है, आप लोग चाहें तो रुक सकते हैं, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं। वालेकुम सलाम, आ गई स्कूल से वापस? पेपर हो गए? आज पेपर हुआ था और बहुत अच्छा हुआ है, पूरी क्लास में सबसे पहले मैंने पेपर दिया। आपका अच्छा हुआ या मैक का? दोनों का अच्छा हुआ है। मैक आपका कैसा हुआ है? मेरा भी अच्छा हुआ है, इससे ज्यादा बेहतर। नहीं नहीं, दोनों का अच्छा हुआ है। अच्छा, दोनों का? अब पहले कह रही थी मेरा अच्छा हुआ है, अब कह रही है कि दोनों का अच्छा। मैंने ये तो बात नहीं की, आप बेशक सुन लेना, मैंने कहा हम दोनों का अच्छा हुआ पेपर। चलें जी, आप लोगों का भी पेपर था? नहीं आज नहीं था। ये आपने अकेले खाया? इधर टिफिन दिखाना। दोनों मैंने भी साथ में खाया। चलें जी, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूके से आने वाला एक नल जो कि ब्राय इसाले सवाब एम आजम मरहूम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये यूके रहते हैं। एम आजम मरहूम यानी कि ये वफात पा चुके हैं, तो इनके इसाले सवाब के लिए ये नल है जी। ये नल हमने लगवा दिया और यहाँ पर डबल बोर हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। नीचे जो है ना पाइप की दूसरे की फिटिंग हुई है और बीच में एक और बोर है, जिसकी वजह से
हाँ ये नल जो है ना पानी देगा, क्योंकि ये काफ़ी बुलंदी पर है, काफ़ी टीले पर है। ये बस्ती आप लोगों को बहुत नीचे नज़र आ रही होगी, ये टीले पर है और ये नल जो है ना हमने इस अम्मा जी को लगवा के दिया है। इनका घर ये है जो आप लोगों को पीछे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये रहती हैं और ये है जी इनका नल। मुझे टीले पे चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ गई है। तो अम्मा जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नल लग चुका है, माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक आपके नसीब करे, आपका नल लग चुका है, आपको खुशी महसूस हो रही है कि आपके टीले पर जो है ना नल हमने लगवा के दिया है, खुशी महसूस हो रही है? चलें जी, तो आपने मोहम्मद आज़म के लिए, मोहम्मद आज़म के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अभी भी हाथ उठा के दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनाए, अल्लाह पाक मरहूम की बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक उनके जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन आमीन। तो जब भी इस नल से पानी पीना है, पानी भरना है, तो आपने उनके लिए ढेर सारी दुआ करनी है, ढेर सारी दुआ करनी है। तो अभी ईंटें वगैरह जो है ना वो गीली की हुई है, नीचे से पानी भर भर के अम्मा जी ले आई हैं। ईंटें वगैरह जो है ना वो गीली हो चुकी हैं और भाई जी सीमेंट बनाकर तख्ती फिलर लगा दिए, यहाँ पर फर्श बना रहे हैं सामने। और यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे जो है ना दरख्त भी लगाए हुए हैं अम्मा जी ने यहाँ पर टीले पर आकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माँ मामू और मामी किधर हैं? अंदर अंदर बैठे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वो जो नल है वो उस्ताद साहब फाइनल कर रहा है, वो जो ऊपर वाला है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती लगा रही है, अभी वो सीमेंट कर रहा है दूसरे को, फर्श को, और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है उस नल का भी। वो फाइनल हो गया ना? चलें ठीक है, मैं उसकी भी जाके भरा तो उस्ताद फ्री होता है ना, उस्ताद को साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या हुआ खाला को फिर से दोबारा तबीयत खराब है, उसको ले जाना चेकअप के लिए, रिक्शे वाला आ रहा है, फिर हम उसको भेज लूंगा आप जब तक वीडियो बना। चलें ठीक है, तैबा चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे, आ जाओ मोटरसाइकिल पे, आ जाओ मोटरसाइकिल पे झूले दूँ, आ जाओ मोटरसाइकिल पे चले, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी वो खेल रहा, वो नल फाइनल होने के बाद अभी आए हुए हैं दूसरे नल की तरफ, जो कि दुबई से हमारी एक बहन ने भेजा, बरा साले सवाब अब्दुल अजीज़ महमूद बरोही मरहूम के नाम का है जी, ये भी मरहूम है, अल्लाह पाक इनकी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और ये हैं वो अम्मा जी जिनको हमने ये नल लगवा के दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह नल का फर्श वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है और तख्ती वगैरह भी लग चुकी है और नल पानी भी बेहतरीन दे रहा है। भाईजान एक दफ़ा चला के देखिएगा, दिखाइएगा, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी बेहतरीन दे रहा है। अम्मा जी सबसे पहले तो ये बताएं, आपके पानी की मुश्किल जो थी, परेशानी थी, वो हल हो गई, आपको अच्छा लग रहा है, आपके आंगन में नल लग चुका है। ये अम्मा जी का ये मकान है और ये साथ में रहती हैं, अभी इनके पर्दे वगैरह नहीं हैं तो यहाँ पर ये रहती हैं। चलें जी माँ जी, इनके लिए हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें, जब तक इस नल को इस्तेमाल कीजिएगा इस मरहूम के लिए सवाब दुआ करते रहिएगा। आमीन आमीन। अल्लाह आमीन। इस मरहूम के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह पाक इनकी कब्र की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, कब्र मुबारक जन्नत के बागों में से बाग बने और अल्लाह पाक इनके जन्नत अल फिरदौस में दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, नल देख के आ गए मामू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गया है और बहुत ही मतलब अच्छा पानी दे रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भी नसीब करे। और ये क्या है मामू जी? उनको भी अल्लाह का अजर अजीम से नवाजे। ये जो है ना, ये जो है ना वहाँ पर जो है ना वो अपना घर बना रहे हैं। अच्छा घर बना रहे हैं यार, सरप्राइज़ है मुझे, यकीनन में ना ये घर होते ना जो मैंने पहले भी दिखाया नल के, नल में उसी तरह का हम जो है ना एक घर यहाँ पर बनवा रहे हैं, जो जगह बनवाई है ना हमने वहाँ पर।
तो हमारे पास सब कुछ इधर पड़ी रहेगी ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कुछ बनाने के लिए फिर सामान वगैरह इधर ही अंदर रखेंगे ना, तो ये तो नहीं हो फिर उधर जाएंगे। जी बिल्कुल, एक नेचुरल ट्राइब बनाएगा यहाँ पर, एक ऐसा समझ रहे हैं जो कबीला नमा होता है, डेजर्ट नमा, डेजर्ट जी के जो घर होते हैं। बहुत काफी मेहनत की है आपने, साथ में कौन कौन गया था? दूसरे भाई को भी साथ में मिलाया था, आप भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलें जी, देखो सैबा को देखो, चेक करो, ये भी पीछे आ गई है, मट्टी नहीं खा रही वो, इधर देखो, इधर देखो, मट्टी नहीं खाई उसने वो, उसे इसको वो फैला रहा था क्योंकि जिस भाई से बनवाना है ना। अच्छा, उस भाई ने कहा है कि इसको ना बिल्कुल खोल के रख देना धूप वगैरह में, ये सूख जाए, है थोड़ा सूख जाए, एक दो दिन तीन दिन के बाद जो है ना बनाएंगे इसको। ये सारा सामान आ गया है, सारा सामान आ गया, ये तीन चार गठिया ये हैं और कुछ वो हैं काने, रस्सी वगैरह आनी है जो रस्सी से बांधते हैं ना। अच्छा, बना के ले आएगा वो। अच्छा, मैंने बोला वो भी ले आना, फिर जो ना इधर वहाँ पे, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजेस बात है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये ऐसा विलेज के जो घर होते हैं ना ऐसे वाले मुझे बहुत पसंद है। यानी यहाँ पे पूरा माहौल बनाएंगे जो इंशाल्लाह विलेज का होता है, कोशिश कर रहे हैं, देखो फिर अल्लाह पाक करम करे। बेशक, ये भाई को, भाई के साथ मामू भी गया थे ये काने वाने कटवाने के लिए, ये भी एक भाई से हमने मांगे हैं, उसने कहा कोई बात नहीं हमारे पास खड़े हुए हैं आप काट कर ले जाएं। और ये देखें जी, ये हमारे किचन का काम अभी भी ढेर सारा पेंडिंग पड़ा है क्योंकि खाला की तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से सब परेशान है ना, यहाँ पे काम करने को दिल कर रहा है। ये देखें कलर्स वगैरह भी हमारे सारे यहीं पर रखे हुए हैं, और जब खाला की तबीयत ख़राब हुई थी, ये देखें अभी इसमें भी कलर पड़ा हुआ है, और इसमें भी हमने बना के रखा था, सूख गया है मेरे ख्याल में, और इसमें भी था, ये देखें आपको नीचे तक, तो जैसे बस इसको इधर ही इस तरह ही रहने देते हैं, बस दिल अभी जो ना बड़ी सिस्टर है उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बस हमने ये काम भी नहीं किया। बिल्कुल, ये ईंटें वगैरह भी वैसे के वैसे पड़ी हुई हैं, ये काम भी हमारा वैसे का, बस वो इधर पर दिखाता हूँ, नानी अम्मा की बाड़ लगा रहे थे वो भी उस साइड से वैसे की वैसे खड़ी हुई है, और ये जो साथ में काने हैं जो सर नज़र आ रहे हैं ये हमने निकालने हैं क्योंकि नानी अम्मा की जो सब्ज़ी है वो ठीक से नहीं उगती क्योंकि उसको रोशनी नहीं लगती, इधर से सूरज आता है तो इधर से भी साया होता है, अभी शाम है तो फिर भी अंदर साया है, तो इस वजह से सब्ज़ी को रोशनी नहीं लगती, इस वजह से वो काम भी हमारा पेंडिंग में खड़ा है, ढेर सारे काम है। बस ये पता नहीं आज मामू गए थे भाई बात करने के लिए, मैंने इसलिए रखा, मैंने कराना तो है लेकिन ये सूखने के लिए एक हफ्ता ये लेता है ना, चलो तीन चार दिन तक अल्लाह करे मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो अमानते थी बहन भाइयों की, ये हमारे लिए जरूरी था नल और राशन वगैरह ये देना, अभी भी पड़ी है अमानते, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें तैबा जो है वो बहुत ज्यादा तंग किए जा रही है, रोती जा रही है, क्या है कहती है मुझे इधर छोड़ दो, मैंने इधर ही बैठना है, अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज। और वो डॉगी खड़ा है, मामी उसे डरा रही थी तैबा को, लेकिन ये उससे डरती वरती नहीं है, मैं कह रही हूँ डॉगी को बुलाती हूँ। अच्छा बुलाओ, हो गई डॉगी को बुलाओ, बुलाओ तू बुला, हंस रही है अभी जी। सूरज भी ये देखें ग्रुप होने वाला है और थोड़ा सा टाइम रहता है, और ये कुछ मंजर है हमारा शाम के वक्त का विलेज का, वहाँ पे जो है वो जो घर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, पहले यहाँ पर घर काफ़ी बढ़ गए थे, अभी कुछ कम हो गए हैं, कुछ राहगीरों के घर हैं, यहाँ पर भी नीचे बनाए हुए थे कब्रिस्तान के साथ, लेकिन वो भी चले गए हैं, ऊपर भी बहुत सारे घर हो गए थे वो भी कहीं और चले गए हैं, हाँ बस चंद घर रह गए हैं राहगीरों के, ऐसे नहीं मामू जी, बहुत सारे चले गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ असल में हर बंदा गरीब आदमी तो इधर उधर काम वगैरह करने के लिए कुछ चले जाते हैं, जहाँ किसी की नसीब लिखा होता है रोजी पानी का तो वही चले जाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में वैसे भी गुर्बत बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और इस साइड पे जी बंद हो जाता है जो सैलाब को रोकने के लिए बनाया गया है, रोड के दूसरी जानब वो नज़र आ रहा होगा, और उसके जानब फिर जो है ना दूसरी जानब भी घर है बहुत सारे, वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अगर ये बड़ा बन है ना जब सैलाब आता है फिर बन नहीं, मामू कितनी जगह से बारिश की वजह से टूट गया है, बारिश की वजह से टूट गया सारा, अल्लाह पाक रहम करे, जो इस बार आए कितना तबाही हुई है, बस अल्लाह पाक करम फरमाए, बहुत तबाही हुई है।
ये नानी अम्मा ने काटे हुए हैं शलजम, लेकिन ये जो है ना नानी अम्मा ने जब काटे हैं तो नानी अम्मा कहती हैं ये ख़राब हैं, मतलब ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है ये ना, तो नानी अम्मा इसे मुर्गियों को डाल रही हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर नानी अम्मा ने ये देखें जी साग काट के रखा हुआ है जी, रात को इसको औस लगेगी और सुबह जी इसको चढ़ाएंगे देज का बड़ा भड़ के, क्योंकि लास्ट साग के लास्ट दिन चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमने मंगाया है कहीं विलेज से ताकि हम खा लें सुकून से, क्योंकि फिर साग ख़त्म हो जाएगा। शाम के लिए हम अपने लिए तो बना रहे हैं ये दाल, और मामू के लिए अभी बनाया जा रहा है चकोतरा, ये चकोते है ना नानी अम्मा, और ये साथ में टमाटर और धनिया वगैरह भी रखा हुआ है। तो अभी नानी अम्मा मामू की सब्ज़ी काटेंगी और ये दाल भी साफ़ करनी है, तो इसकी इसके साथ भी हेल्प करवाएंगे नानी अम्मा के साथ और भी। ये क्या करनी है? आग जलाने के लिए कर रही हूं। पूरा आधा घंटा हो गया छुरी चलाते हुए और ये अभी कटी है। मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया है, मैंने कहा दिखाऊं तो सही, अपने व्यूअर्स को इतनी जान है, काफी है इससे अभी आग देखने कैसे चलती। हाँ, इन दो को काटने के लिए आधा घंटा लग गया है, तो अभी कुछ और काटना पड़ा तो फिर तो और बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मामू जी इस अपनी बेटी को ना बादाम खिलाएं, वरना ये ऊपर होने की वजह पूछ को भी चेक कर रहे हैं, टेंशन है, टेंशन की वजह से पता नहीं आज ना पेपर दे रही थी, मेरे इतने सर में दर्द हुआ है, मैंने कभी मैं यहां बेहोश हो जाऊंगी, कल मैंने पेपर कर दिया थी। इस टाइम होता है तो मेरी आंख को थोड़ा ना दर्द हो, आंख में ये देखें थोड़ा सा वो छोटा सा दाना जो पिंपल की तरह होता है, नीचे देखें, नीचे 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 देखें, नीचे देखें, ये देखें पिंपल भी छोटा सा दाना भी नज़र आ रहा है आंख में। लाल इसको दर्द हो जाता है। अरे भी सिस्टर लोगों का नंबर नहीं लग रहा तो टेंशन हुई। किस टाइम गए थे? जब मैं गया फौरन चले गए थे, रक्षा आ गया था, पता नहीं पहुंचे हैं नहीं पहुंचे या आ रहे हैं ये तो पता नहीं, अभी वही मैं कहता हूं नंबर लग गया नहीं लगा। चलिए चले ना, बहुत ज्यादा। किधर जा रही हो? हमारे घर की रौनक है ये, अभी ये अपनी अम्मी के साथ ना लकड़ियाँ खिंचवाने के लिए है। मामी ये देखें, उस आपने लकड़ी नहीं खींची, उसने लकड़ी खींच ली है, वो लेके जा रही है। किधर लेके जा रही हो? तोड़ भी लिया, मैंने पहले भी दिखाया है हमारा जो है ना, क्योंकि आखिरी दिन चल रहे हैं ना सागों के, तो हमने कहा फायदा उठा लें। हमारा भी सामान पड़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये आपका सामान रफ में चला गया है। हाँ, ये मुर्गियों के लिए पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ के लिए तो है तो सही। हाँ, अपने जाने, मेरे लिए सूखने के लिए, सूखने के लिए रखा हुआ है। नहीं नहीं, सूखने के लिए नहीं है, वो आपके लिए चकोतरे बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा ना ज्यादा पक्के हैं, पक्के हैं यानी पक्के शलजम है, बीज वाले हैं वो ठीक नहीं है। बड़ी खाला को लेकर आ गए, लेकर चलते हैं अभी। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, बस बताया नहीं है, रिक्शे वाला छोड़ के चला गया, मोटर बाइक पे ले आते, बेचारी वो चल नहीं सकती। आप लोगों को नंबर क्यों नहीं लग रहा था? पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, मिला मिला थक गया हूँ, नंबर नहीं लग रहा था। ये भी मिला रहा था उसका, नहीं लगा। अच्छा, जी अलहमदिल्ला, आग जला दी थी पहले और अभी यहाँ पर आग के साथ ही बिस्तर बनाकर यहीं पर लिटा दिया है। मेडिसिन दिखाइएगा, क्या बोला है, रिपोर्ट दिखाइए सर पहले। ये तो सारे सिरप दिए हैं इसको। सिरप दिया है उसने, डॉक्टर ने तो कहा था इसको ना दाखिल करना है। अच्छा, दाखिल करना। हाँ, फिर तो मसला दाखिल करना है, तो बाजी ने बोला नहीं मैं दाखिल तो नहीं होती, दवाई दे देना। फिर उसने एक हफ्ते की दवाई दी है, कह रहा एक डॉक्टर बाद फिर चेक करवाना, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। दाखिले के फिर आपको पता है ये प्राइवेट तो बहुत महंगा होता है ना, तो फिर अच्छा है चलो ये घर की घर में केयर वगैरह भी बंदा कर सकता है, सर्दियों के दिन है तो फिर बंदा आग वगैरह जला सकता है, फिर
हॉस्पिटल में तो बंदा एक के सिवा ज्यादा रहने भी नहीं देते। बिल्कुल अच्छा किया। चलो अभी तबीयत कैसी है? वह इतनी बात नहीं कर सकती ना, आवाज नहीं निकलती इसका। तो सब फैन मेरे बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरी सिस्टर को अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे, जल्द और जल्द से आप करें। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप फैन भैया को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।